हाय दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं अगर फ़ोन में नेटवर्क नहीं आ रहा है, नो सर्विस वाली प्रॉब्लम आ रही है या फिर इमरजेंसी कॉल वाली प्रॉब्लम आ रही है तो कैसे ठीक करेंगे। तो इसके लिए मोबाइल के सेटिंग्स में जाना है, फिर यहाँ पर मोबाइल नेटवर्क या सिम कार्ड एंड मोबाइल डाटा का ऑप्शन मिलेगा, इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर ऊपर सिम 1 और सिम 2 का ऑप्शन मिलेगा, जिस सिम में प्रॉब्लम आ रही है उस सिम पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आने के बाद नीचे की साइड आएंगे तो एक्सेस पॉइंट नेम का ऑप्शन मिलेगा, इस ऑप्शन को APN सेटिंग भी कहते हैं, इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर ऊपर की साइड 3 डॉट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। फिर रीसेट एक्सेस पॉइंट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। फिर रीसेट एक्सेस पॉइंट पर क्लिक कर देना है। फिर बैक आना है। अब नीचे की साइड एक और ऑप्शन मिलेगा कैरियर का, इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर अगर ये ऑप्शन ऑटो सेलेक्ट पर नहीं रहेगा तो यहाँ से क्लिक करके ऑटो सेलेक्ट कर लेना है। देखिए हमारा पहले से ही ऑटो सेलेक्ट पर क्लिक है। अब इतना चेक करने के बाद बैक आना है होम स्क्रीन पर। अब अपने फ़ोन को एक बार रीस्टार्ट करना है। कैसे रीस्टार्ट करेंगे, तो देखिए जो फ़ोन की लॉक स्क्रीन वाली बटन है जिससे मोबाइल लॉक करते हैं, इस बटन को कुछ सेकंड तक दबा कर रखना है। तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा रीस्टार्ट का, इस रीस्टार्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। और जैसे ही फिर से क्लिक कर देंगे तो फ़ोन अपने आप ही स्विच ऑफ होगा, फिर स्विच ऑन होकर खुल जाएगा। इससे आपका कुछ भी डिलीट नहीं होगा और प्रॉब्लम भी सही हो जाएगी। इतना करने के बाद अपने फ़ोन को 5 सेकेंड के लिए फ़्लाइट मोड में करना है, मतलब फ़्लाइट मोड ऑन करना है, और 5 सेकेंड बाद फ़्लाइट मोड को ऑफ़ कर देना है, बंद कर देना है। फिर आपके फ़ोन में नेटवर्क आ जाएगा, नो सर्विस और इमरजेंसी कॉल वाली प्रॉब्लम भी सही हो जाएगी। फिर आप कॉल भी कर सकते हैं और इंटरनेट भी चला सकते हैं। तो गाइस इस तरीके से ही कर पाएंगे। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए। थैंक यू।